कोलकाता नगर निगम के लिए सीपीएम, कांग्रेस और तृणमूल के बाद सोमवार को भाजपा ने भी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। कुल 144 वार्ड के लिए भाजपा की जारी सूची में 48 युवाओं को और 50 महिलाओं को मौका दिया गया है। इनमें 5 वकील और 3 डॉक्टर भी चुनाव लड़ेंगे। सूची जारी करते हुए भाजपा नेता समीक भट्टाचार्य और प्रताप बैनर्जी ने कहा कि भाजपा खास तौर पर टिकट उन्हीं लोगों को दे रही है जिनका आम जनता के साथ अच्छा नाता रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी लॉयल है, प्रतिबद्ध है जनता के साथ, और भारतीय जनता पार्टी का राजनीति के साथ जो जुड़ना चाहते हैं, जो जुड़े हुए हैं, हम उसी लोगों को उम्मीदवार बनाए थे। पहले जो चुनाव हो गया विधानसभा चुनाव में, वो कौन पुराने थे कौन नया, ये इस भीतर पे हम लोग नहीं जाना चाहते। इस बार कॉरपोरेशन चुनाव है, लोकल बॉडीज का चुनाव, तो हम लोग देखते हैं लोकल जनता का साथ किसी का संपर्क अच्छा है, कौन जुड़े हुए हैं जनता का साथ, कौन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। लॉयल्टी तो दूसरा शब्द है, जो हमारा कार्यकर्ता है, हम लोग जिसको समझते हैं कार्यकर्ता, जिसको अपना मानते हैं, ऐसे ही लोगों को हम लोग उम्मीदवार बनाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।